हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, ये जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट का 32वां पार्ट है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 31 पार्ट बना चुका हूँ, तो अगर आप पिछले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पिछले पार्ट्स देख सकते हैं। तो सभी पार्ट्स में मैंने 25-25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो रेलवे के प्रीवियस एग्जाम से मैंने लिए हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे वो LP का हो या फिर NTPC का हो। तो जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी रेलवे के प्रीवियस एग्जाम पर बेस्ड हैं, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने रेलवे ग्रुप डी के लिए या NTPC के लिए अप्लाई किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो है पावर दिया गया है 1100 वाट, ठीक है। तो पावर किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर बराबर होता है V × I, V यानी कि वोल्टेज, I यानी कि करंट, ठीक है। तो वोल्टेज इंटू करेंट इक्वल टू होता है विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे पावर कितना दिया गया है, 1100 वाट, और ये किसके बराबर है, V यानी कि 220 वोल्ट दिया गया है, और I हमें निकालना है, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, करंट बराबर हो जाएगा 1100/220, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगा, 22×5 = 110। तो यहाँ पे I का मान कितना आ जाएगा, I बराबर 5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो कोई वस्तु जब स्थिर अवस्था में होती है या गतिज अवस्था में होती है, गति की अवस्था में होती है, तो वो उसी अवस्था में बने रहना चाहती है। अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, और गति में है तो गति में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो इस प्रवृत्ति को कहते हैं जड़त्व या इनर्सिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जड़त्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वो पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो जब बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से यानी जड़ या तना या पत्ती आदि से जब नए पौधे को उगाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो केला और गुलाब और नारंगी, इनको जो है कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा उगाया जा सकता है, लेकिन पपीता जो है आपका इस विधि से नहीं उगाया जा सकता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पपीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे वेट दिया गया है, कितना दिया गया है, 450 न्यूटन, और वेट किसके बराबर होता है, तो वेट आपका mg के बराबर होता है, m यानी कि द्रव्यमान और g यानी कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व त्वरण। तो द्रव्यमान जो है आपका कहीं भी एक समान होता है, आप चाहे पृथ्वी पर हों, चाहे चंद्रमा पर या ब्रह्मांड में कहीं भी मंगल पर हों, तब भी द्रव्यमान आपका वही रहता है, और भार आपका चेंज होता है, क्योंकि भार जो है डिपेंड करता है किस पर, गुरुत्व त्वरण पर। जहाँ पे गुरुत्व त्वरण ज़्यादा होगा वहाँ पे भार ज़्यादा होगा, और जहाँ पे गुरुत्व त्वरण कम होगा वहाँ पर भार कम होगा। तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान निकालना है, एम निकालना है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, वेट अपॉन ग्रेविटी, ठीक है। तो वेट कितना दिया गया है, 450 न्यूटन, और गुरुत्व त्वरण का मान हम कितना लिखेंगे, तो गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 m/s² होता है पृथ्वी पर, तो ये हो जाएगा 9.8। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे पॉइंट हटा के, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 45.91 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर होगा 45.9 किलोग्राम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाइलम का एक प्रकार नहीं है। तो जाइलम जो है ये पौधे में पाया जाने वाला जटिल ऊतक का एक प्रकार होता है, जो कि पौधे में जल को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और दूसरा जटिल ऊतक क्या होता है, दूसरा जटिल ऊतक होता है फ्लोएम, जो कि पौधे में फूड पहुंचाता है विभिन्न भागों में, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू इनको कहते हैं। तो जाइलम जो है ये चार तरह की कोशिकाओं से बना होता है। पहला होता है ट्रेकियड या इनको कहते हैं वाहनिया, और दूसरा होता है वाहिकाएँ या नलिकाएँ, ठीक है, और इनको इंग्लिश में कहते हैं वेसल्स कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है जाइलम फाइबर्स या जाइलम तंतु, और चौथा होता है आपका, ये तीन हो गए,
और चौथा होता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम मृदूतक कहते हैं, जाइलम मृदूतक इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये चार तरह की कोशिकाएँ होती हैं। सीव ट्यूब ये जाइलम का एक प्रकार नहीं है, जाइलम कोशिकाओं का ये प्रकार नहीं है। सीव ट्यूब आपका ये पाया जाता है फ्लोएम में, ठीक है, तो ये आपका फ्लोएम में पाया जाता है, बाकी ये जो है चारों ये जाइलम के प्रकार हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सीव ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो वह ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं उनको उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो आपका यहाँ पे Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, और इसके अलावा जिंक ऑक्साइड भी आपका उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो यौगिक यानी कि कंपाउंड, तो यौगिक क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे कि आपका वाटर हो गया H2O, इसका फॉर्मूला होता है, तो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ऑक्सीजन का एक एटम, तो यहाँ पे ये क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड तो ये भी आपका यौगिक होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन तो होगा ही, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन भी होगा, तो ये आपका यौगिक होगा। पानी आपका यौगिक होता ही है, अमोनिया इसका फॉर्मूला होता है NH3, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है हाइड्रोजन भी है तो ये भी आपका यौगिक है। क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन आपका यौगिक नहीं होगा, क्लोरीन आपका तत्व होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है दो अलग अलग तत्व नहीं है बल्कि क्लोरीन का एक तत्व है, तो क्लोरीन आपका यौगिक नहीं होगा, तत्व हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक जो होते हैं ये कोशिका विभाजन के आधार पर दो तरह के होते हैं। पहला होता है विभज्योतक ऊतक, जिनको इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टमेटिक टिशू, और इनको परिवर्धी ऊतक भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका स्थायी ऊतक, ठीक है, स्थायी ऊतक या इनको परमानेंट टिशू कहते हैं। तो विभज्योतक ऊतक जो है इनमें सेल डिवीजन होता रहता है और ये इमेच्योर होती हैं, इनमें सेल डिवीजन होता है, ठीक है। और स्थायी ऊतक क्या होते हैं, तो ये जो विभज्योतक ऊतक हैं यही जो है बाद में वृद्धि करके स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं, और इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता, ये जो है मेच्योर होते हैं, ये पहले इमेच्योर होती हैं और यही बाद में मेच्योर होकर के स्थायी ऊतक बनाती हैं, और इनमें सेल डिवीजन नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी कोशिका में सेल डिवीजन होता है, तो विभज्योतक ऊतक में सेल डिवीजन होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीव इन्होंने पहली बार आवाज सारणी बनाई थी और इसीलिए इनको आवाज सारणी का जनक माना जाता है, और इन्होंने 1869 में आवाज सारणी बनाई थी, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, बढ़ते परमाणु भार के आधार पर तत्वों को अरेंज किया था, और फिर जो है 8 ग्रुप बनाए थे, कितने ग्रुप बनाए थे, तो ग्रुप की संख्या थी 8, और 6 जो है पीरियड थे, पीरियड कितने थे, 6 पीरियड इनकी आवाज सारणी में थे, ठीक है। तो पीरियड और ग्रुप वाली जो आवाज सारणी है पहली बार इन्होंने ही बनाई थी 1869 में, और इनके समय में कितने तत्व ज्ञात थे, तो इनके समय में 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, और अब जो आधुनिक आवाज सारणी है इसमें कितने तत्व है, तो इसमें 118 तत्व है टोटल, ठीक है। तो इनके समय में कितने तत्व थे, 63 तत्व थे, और पहला तत्व कौन सा था, तो पहला जो तत्व था वो था हाइड्रोजन, और लास्ट कौन सा था, लास्ट तत्व था, लास्ट एलिमेंट था बिस्मथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 63, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस प्रतिरोध से एक मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है आवेश की मात्रा हमें निकालनी है, तो जो विद्युत धारा होती है I, ये किसके बराबर होती है, तो ये Q/T के बराबर होती है। Q यहाँ पे क्या है, चार्ज यानी कि आवेश है, ये आवेश है, और T आपको मालूम ही है समय है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे Q निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I × T हो जाएगा। तो I का मान कितना दिया गया है, 1.0, और टाइम कितना दिया गया है, तो एक मिनट में प्रवाहित होने वाली धार आवेश की मात्रा बतानी है, तो एक मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो ये होगा 60 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हो जाएगा 60, और ये 60 कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 60 कोलाम। अगला क्वेश्चन है, फूल के नर प्रजनन अंगों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे डायग्राम है, इसमें मैं सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। सबसे नीचे ये जो ग्रीन कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बाह्य दल, ठीक है? तो ये आपका हो जाता है बाह्य दल, या इसको सेपल्स कहते हैं। और ये जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों है दल या पेटल्स, इनको कहते हैं, ठीक है। और सबसे बीच में होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर ये मादा प्रजनन अंग होता है फूल का। ये तीन पार्ट में बटा हुआ होता है। सबसे ऊपर जो है क्या होता है? वर्तिकाग्र, या इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। और बीच में ये जो पाइप है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं वर्तिका। और ये जो गोल वाला पोर्शन है, इसको कहते हैं अंडाशय, यानी कि ओवरी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर छोटे छोटे बीजांड भरे हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ओव्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और ये ओवरी ही आगे चल करके फल का निर्माण करता है, और ये जो बीजांड अंदर होते हैं, बीजांड भरे होते हैं, ये बीज का निर्माण करते हैं। तो ये तीन पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और इन तीनों को कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। स्त्री केसर, या इसको अंडप कहते हैं, और इंग्लिश में पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, ठीक है, पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। तो ये मादा प्रजनन अंग हो जाता है स्त्री केसर। और नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो ये पुंकेसर होता है, ठीक है। ये भी दो पार्ट में बटा हुआ होता है। सबसे ऊपर का जो पार्ट है, ये होता है पराग कोष। इसमें पराग कण भरे होते हैं, इसको क्या कहते हैं? पराग कोष, या इंग्लिश में कहते हैं एंथर, ठीक है। और ये जिससे जुड़ा हुआ होता है, तो इस पाइप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिलामेंट या तंतु कहते हैं, ठीक है। और कंबाइंड रूप से इसको क्या कहते हैं? स्टेमन। और यही क्या होता है? फूल का नर प्रजनन अंग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर प्रजनन कौन सा होता है? पुंकेसर या स्टेमन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर किसके बराबर है? तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10^-12 मीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10^-12 मीटर। और इसके अलावा पूछा जाता है माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोमीटर होता है 10^-6 मीटर के बराबर, ठीक है। और नैनोमीटर पूछा जाता है, नैनोमीटर, तो नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10^-9 मीटर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक किलोवाट घंटा डैश के बराबर है। तो एक किलोवाट घंटा ये किसके बराबर होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है, इसको एक यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है 3.6 × 10^6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3.6 × 10^6 जूल। ये कैसे आता है? तो किलोवाट घंटा, ठीक है। तो एक किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं। और यहाँ पे घंटे को हम चेंज करेंगे सेकेंड में, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? तो 60 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे 6 × 6 हो जाएगा 36, और 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे 10^5 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.6 × यहाँ पे पॉइंट अगर हमने लगा दिया, तो यहाँ पे 10^1 बढ़ जाएगा, ठीक है, एक पावर बढ़ जाएगी 10^6। तो 3.6 × 10^6 जूल जो है, ये एक किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोपेनॉन में कौन सा कार्यात्मक समूह है? तो प्रोपेनॉन ये जो है कीटोन ग्रुप का कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीटोन ग्रुप में जो है सफिक्स लास्ट में क्या लगा रहता है? तो ओन लगा रहता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं, ओन लगा होगा लास्ट में, तो जो है वो कीटोन ग्रुप का कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे ओन लगा है, प्रोपेन होता है, प्रोपेन में अगर ओन लगा देते हैं तो ये हो जाता है प्रोपेनॉन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, ठीक है। तो जब ये प्रोपेनॉन होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O। हाइड्रोजन के यहाँ पे दो एटम कम हो जाते हैं, उसकी जगह पे ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ शेयरिंग करता है, ठीक है। तो ये जो है किसका फॉर्मूला है? प्रोपेनॉन का। और इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जो है सफिक्स क्या लगा होता है? तो इसमें ओइक एसिड करके लगा होता है, जैसे मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। एल्डिहाइड में क्या लगा होता है? तो एल्टिहाइड में होता है एल, ठीक है, जैसे मेथेनल, एथेनल। इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप के जो है कंपाउंड को आप पहचान सकते हैं। एल्कोहल में लगा होता है ओल, जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल, ये सब लगा होता है, तो जो है एल्कोहल ग्रुप का हो जाता है। तो यहाँ पे
प्रोपेनॉन किसका है? कीटोन का। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। तो न्यूटन के नियम जो है कणों के लिए अच्छे कब सिद्ध नहीं होते हैं? जब प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करते हैं, तो जो है न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो हमारा जो कान है उस पर किसी ध्वनि का असर 1/10 सेकेंड तक रहता है, यानी कि 0.1 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, तो अगर कोई ध्वनि हमें 0.1 सेकेंड के अंतर पर सुनाई देगी तो हमें वो स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। अगर इससे पहले हमें सुनाई दे जाए, एक ध्वनि हमें सुनाई दी और 0.1 सेकेंड से पहले भी एक दूसरी ध्वनि हमें सुनाई दी जाएगी, तो क्या होगा कि दोनों ध्वनियाँ जो है मिक्स हो जाएंगी, तो स्पष्ट तरीके से नहीं सुनाई देंगी। तो कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है और यहाँ पे कोई अवरोध है, तो वहाँ से कोई ध्वनि अगर इसके पास लौट करके आए, प्रतिध्वनि का मतलब कि ध्वनि जो है यहाँ से परावर्तित होकर के दोबारा से इसके पास आती है, तो उसमें अंतर कितना होना चाहिए? तो कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतर होगा, तभी जो है स्पष्ट प्रतिध्वनि उसको सुनाई देगी। और ध्वनि की चाल कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड, ये जो है ध्वनि का वेग होता है हवा में। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड में ध्वनि कितनी दूरी चलेगी? तो 0.1 सेकेंड में निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए क्या करना होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय यानी 0.1। ठीक है, तो ये गुणा होगा 0.1 से, तो हो जाएगा 34.4 मीटर, ये आ जाएगी डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस जो है दोनों साइड से होगी। ठीक है, ध्वनि जाएगी और वापस आएगी, तो वो जो है 34.4 मीटर की दूरी तय करेगी, लेकिन हमें जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताना है। तो ये किसका, इसका जो है आधा हो जाएगी, 34.4 का आधा हो जाएगी, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ आने तक जो है डबल दूरी हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी? इसका आधा होगी, तो इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17.2 मीटर हो जाएगा। तो अवरोध की दूरी कम से कम कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए, तभी हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक है जो उसी पदार्थ से बना है जिसकी लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पे प्रतिरोध जो है R=2 होता है, रेजिस्टेंस R=2 क्या होता है? ρL/A। रो क्या है? प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी। हर पदार्थ की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी हो गई। और ये क्या है? लंबाई। ये मान लीजिए रजिस्टर है, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिरोध जो है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया एरिया के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एरिया क्या होता है? ये जो है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया? लंबाई अगर L है और अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A है, तो प्रतिरोध क्या दिया गया है? R है, और यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, और फिर एक अन्य प्रतिरोधक है, एक अन्य प्रतिरोधक उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं RS है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे लंबाई क्या दिया गया है? L/2। रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी क्योंकि उसी पदार्थ से बना हुआ है, तो रो यहाँ पे हो जाएगा और लंबाई L/2 हो जाएगी। ठीक है, और अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल कितना है? 2A, 2A/1 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम L/2 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 × 2/A हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रो है ही है, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा और A से आपका A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी तुलना में ये कितना आ जाएगा? 1/2 × 2 यानी कि 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसकी तुलना में 1/4 है, यानी कि अगर ये R है तो ये कितना होगा? R/4। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, R/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसमें प्रकाश की गति क्या होगी? तो अपवर्तनांक जो होता है इसको n से प्रदर्शित करते हैं, ये किसके बराबर होता है? C/V के बराबर होता है। C क्या है? प्रकाश के निर्वात में चाल, और V क्या है? ये प्रकाश के निर्वात में चाल। ठीक है, निर्वात में चाल हो जाएगी, और V क्या है? प्रकाश की माध्यम में चाल, माध्यम में चाल।
तो हमें क्या बताना है, माध्यम में हमें चाल बताना है। एन दिया गया है 1.5 है और प्रकाश का वेग हमें मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और वी हमें निकालना है, माध्यम में चाल हमें निकालना है। तो वी क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे यहाँ जीरो हो जाएगा, 15 × 2 = 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये माध्यम में चाल आ जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो पौधे जो जल अवशोषित करते हैं मिट्टी से, तो उसकी थोड़ी सी मात्रा की उन्हें ज़रूरत होती है, लगभग 1% मात्रा की केवल उनको ज़रूरत होती है। बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा किसके द्वारा पाते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपेरेशन के द्वारा पाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे समीकरण दिया गया है, इसमें बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे दो तत्व मिलकर के एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन रहा है, तो जब भी नया बॉन्ड बनता है तो उसमें जो है ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है और इसी का उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया, और इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कंपाउंड्स का विघटन होता है, अपघटन होता है, ठीक है। और इसमें विघटन होता है यानी कि बॉन्ड टूटता है, और इसमें बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, और इसीलिए क्या कहते हैं इसको, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो वर्क डन, कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो एफ क्या है, एफ है फोर्स यानी कि बल, एस क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा यानी कि बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है, इधर ही बल लगाया जा रहा है, इधर ही विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, जीरो। तो कॉस जीरो यहाँ पे हो जाएगा, कॉस जीरो का मान होता है वन, कॉस जीरो का मान क्या होता है, वन होता है। तो यानी कि वर्क डन बराबर एफ इंटू एस इंटू वन, वन का गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एफ इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। तो एफ कितना दिया गया है, बल का मान कितना दिया गया है, तो 10 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। और एस यानी कि विस्थापन कितना हुआ, तो 2 मीटर हुआ, तो 10 × 2 यानी कि 20, 20 जो है क्या हो जाएगा, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो 20 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। तो दोहरी अपघटन अभिक्रिया या इसको दोहरी विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी अगर रिएक्शन कराते हैं NaOH से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, लेकिन ये क्लोरीन जो है अब जो है किसके साथ आ जाता है, सोडियम के साथ, ठीक है। तो एक विस्थापन आपका ये हुआ, क्लोरीन किसके साथ आ जाता है, सोडियम के साथ, और OH किसके साथ है, सोडियम के साथ, और ये आ जाता है हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे, तब जो है ये बन जाता है H2O। तो यहाँ पे एक्सचेंज किसका हो रहा है, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1 का, और यहाँ सोडियम पर +1 का, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड में -1 का चार्ज होता है। तो यहाँ पे प्लस तो अपना वही जगह पे रहता है, लेकिन माइनस आयन जो है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, दोहरी अपघटन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे किसका एक्सचेंज होता है, आयन्स का होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल, इसको अगर हम जलाएंगे तो कार्बन के जो ऑक्साइड होंगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या कहलाएंगे, तो ये जो है अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ये अम्लीय होते हैं, तो इसलिए जो है ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाएंगे।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।